इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, आपको निकालना क्या है? ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द बोथ केस आर सेम, एम्पलीट्यूड आपका सेम है, इसका मतलब आपको T1 बाई T2 निकालना फिर, ठीक है? तो T1 बाई T2 निकाल लो कि आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखो मैंने आपको एक फैक्टर निकाल के दे दिया है, एक का L by G है, एक का ये है, तो आप आपका आंसर बनेगा C, क्योंकि आप इसको डिवाइड करोगे तो रूट L by G डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट 2L by 3G, तो 2 पाई क्या क्या बचेगा, रूट 3/2, सो योर आंसर इज C। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बाय थ्री विपुल मैंने अभी बोला था, क्योंकि यहां पे देख लो फॉर्मूला होता है कंपाउंड पेंडुलम का, आई बाई एमजी एलसीएम। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोड का, एमएल स्क्वायर बाई 3 1 एंड से पास करता है, तो आई को मैंने रखा है एमएल स्क्वायर बाई 3 और यहाँ पे लिखे नीचे होता है एम जी एल सी एम, तो सेंट्रल मास का रोड का होता है L by 2 पे, तो उसका एक्सिस डिस्टेंस होगा L by 2, वो रखा है, आपका आंसर आया है। आई को एम एल स्क्वायर बाई 3 रखो और इसको रखो एम जी एल बाई 2, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर ये बनेगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्प्रिंग हैविंग इट्स फोर्स कांस्टेंट K एंड इट इज कट इनटू 2 पार्ट्स 2:3 एंड द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट R, स्प्रिंग को कट कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्योंकि K इनटू L आपका फिक्स रहता है, तो अब आप लेंथ अगर आपने कट की है तो एक लेंथ है आपकी 2/5, दूसरी है 3/5, तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट उसका उल्टे रिवर्स में हो जाएगा, तो पहले का हो जाएगा 5K/2, दूसरे का हो जाएगा 5K/3, ताकि आपका जो K इंटू एल है वो क्या रहे, सेम रहे। ये हम NLM में भी बताते हैं ये चीज कि अगर स्प्रिंग को कट कर देते हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इस तरह से चेंज होता है कि जो फोर्स होता है नेट फोर्स वो कांस्टेंट रहता है, उतनी वैल्यू रहती है स्प्रिंग की। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। The motion of particle is given by x equal to 3 sin omega t plus 4 cos omega t. Then the motion of particle is SHMI with amplitude 5. ये combination of SHMI जिसमें phase दोनों के बीच का angle कितना है? Pi equal to 90 degree है दोनों के बीच का angle. तो उसका answer होता है amplitude resultant होता है, वो होता है root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. तो ये term हो गई 0. तो resultant amplitude कितना आएगा? Root 3 square प्लस 4 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 5, तो आपका रिजल्ट एम्पलीट्यूड है 5 का और SHM है ये कॉम्बिनेशन ऑफ SHM है रिजल्टेंट ऑफ 2 SHM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द स्प्रिंग मास सिस्टम परफॉर्मिंग SHM द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड एवरेज व्हेन द एवरेज इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओवर 1 पीरियड ऑफ द मोशन इज, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में बताते हैं तो वो होती है 1/4। ये एक डेरिवेशन है, तो मतलब काइनेटिक मैं पहले बता रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज की बात कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो होती है 1/6 kA² और काइनेटिक एनर्जी होती है एवरेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक पूरा लूप का कर ले तो डिस्प्लेसमेंट होती है 1/3 kA². सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एवरेज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है 1/4 kA². सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी आल्सो एवरेज जो होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो होती है 1/4 kA², सो योर आंसर इज 1/4 kA². ये मैंने करवाया हुआ है खुद को, मैंने आप लोगों को ATPC APS सब जगह करवाया था, जहां जहां मैंने SHM करवाया था, दिस इज जस्ट सिंपल डेरिवेशन। ओके, क्लियर है सबको? इसका डेरिवेशन होता है वो मैंने करवाया हुआ है। नेक्स्ट, ये दो स्प्रिंग है यहाँ पे दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो के क्या बन जाएगा? 2K बन जाएगा, तो आपका आंसर कितना होगा? तो टाइम
क्या बोला है, वन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन बॉडी ऑफ मास एम इज अटैच्ड बिटवीन टू स्प्रिंग्स ऑन द अदर हैंड, तो टाइम पीरियड बताना है, टी इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट कितना है 2 के, तो बस रखो आपका आंसर खत्म, उसमें कोई फोर्स फोर्स किसकी बात ज्यादा की नहीं जाती, तो ज्यादा रामायण लगानी नहीं है, योर आंसर इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई 2 के, दैट्स इट, स्प्रिंग इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको उठा के लिखोगे, मैंने पहले भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज एम एंड एन ऑफ इक्वल मास आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k1 एंड k2 रेस्पेक्टिवली, if the length of the body is oscillating vertically such that their maximum acceleration are equal, the ratio of their amplitude of a m to that of n is, ye to maine question padha hai aur samajhte hain, masses equal hain separated from two massless spring or spring constant k and k2, if two bodies have oscillating vertically such that their maximum acceleration are equal, iska matlab maximum acceleration kitna hota hai dono ka equal hai and ratio of amplitude m on that n is, ठीक है हो गया, एक्सेलेरेशन कितना होता है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, माइनस के ओमेगा स्क्वायर ए वन इज इक्वल टू माइनस के ओमेगा टू स्क्वायर ए टू, ये होता है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, तो ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू माइनस के, माइनस माइनस कैंसल आउट, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा ओमेगा टू का स्क्वायर बाय ओमेगा वन का स्क्वायर, ए वन बाय ए टू, ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा होता है रूट के बाय एम, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ के बाय एम रख देंगे, तो के टू बाय एम टू दोनों का सेम है, के वन बाय एम गया, तो ए वन बाय टू कितना आएगा के टू बाय के वन, सो ऑप्शन इज बी, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। देखो दोनों ऑप्शन पड़े थे, ए भी था बी भी था, मेक श्योर की किसका रेशो किससे पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। So this is all about